सो आज का बेटा हमारा टॉपिक है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हेडिंग आप लोग डाल ले क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर में मैक्सिमम तो क्या होना चाहिए, ऑक्यूपाइड स्पेस, ठीक है, और मिनिमम होना चाहिए अनऑक्यूपाइड स्पेस। मैक्सिमम तो ऑक्यूपाइड स्पेस होना चाहिए और मिनिमम अनऑक्यूपाइड स्पेस होना चाहिए। ऐसी पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ बहुत सारे टाइप है बेटा क्लोज पैक स्ट्रक्चर की। सबसे पहले टाइप आप देखो, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। जब बेटा एक ही डायमेंशन हम लेंगे तो उसमें क्लोज पैकिंग कैसे करेंगे एटम की। तो एटम को हमने यहाँ पे एज्यूम किया है लाइक एज ए हार्ड स्फीयर। तो ये आपके बहुत सारे एटम्स हैं, हमने इनको एज्यूम किया है एज ए हार्ड स्फीयर। तो इस तरह की कुछ इनकी क्लोज पैकिंग है। तो ये आपकी क्लोज पैकिंग हुई वन डायमेंशन में, ये क्लोज पैकिंग है एटम की या स्फीयर की वन डायमेंशन में। होगी इसकी एक डायमेंशन और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, बता रखा है ना, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एन एटम, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो आप खुद देख सकते हो यहां पर जो हर एक एटम है वो दो दो एटम के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखिए ये एक एटम है, ये इन दोनों से जुड़ा हुआ है, ऐसे आगे एक और एटम होगा वो भी दो एटम से जुड़ा होगा। तो यहाँ पे हर एक एटम है दो दो एटम से जुड़ा हुआ है, इसका मीनिंग इसका टू क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। टू क्या है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये हमारी क्लोज पैकिंग हुई वन डायमेंशन में। हमने प्लस वन क्लास में भी टॉपिक किया था, इट इज क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो अब हम यह बात करेंगे टू डायमेंशन की और थ्री डायमेंशन की, ठीक है। इसके आगे करते हैं, अब ये हो गया होगा आप लोगों का, हमें क्लोज पैकिंग करनी है एटम को। हम यह लाइक एज ए हाइड स्फीयर एज्यूम कर रहे हैं, तो हमें क्लोज पैकिंग इस तरीके से करनी है कि मैक्सिमम तो रहे ऑक्यूपाइड स्पेस और मिनिमम रहे अनऑक्यूपाइड स्पेस, ठीक है। आप ये करें एक मिनट में फटाफट। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, वन डायमेंशन में पूरा होगा हमारा, अब हम बात करेंगे टू डायमेंशन में। तो अब आप हेडिंग डाल लें क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस, ठीक है। तो देखिए बेटा हम क्लोज पैकिंग कैसे करेंगे टू डायमेंशन में। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे एटम्स है लाइक एज हार्ड स्फीयर, हमने इस तरीके से इनकी क्लोज पैकिंग करी। ये सपोज दैट ये अरेंजमेंट हो गया ए टाइप का, हमने मान लिया ये अरेंजमेंट कैसा हो गया, ए टाइप का हो गया। सेम इसके ऊपर क्या है, हमने एक लेयर और लगाई एटम की, एक के ऊपर एक रखा है, कैसे रखा है बेटा, एक के ऊपर एक रखा है। सेम ऐसे नेक्स्ट जहां पहले थे ना वही अब एक के ऊपर एक एटम चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का अरेंजमेंट आपका चल रहा है, सभी में एक जैसा अरेंजमेंट हुआ। तो इस अरेंजमेंट को आप क्या बोलेंगे, ए ए ए टाइप अरेंजमेंट हुआ, और 2D में हुआ ये अरेंजमेंट किसमें हुआ बेटा, 2D में हुआ। अब अगर आप यहाँ बात करते हो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करूं
आप किसी भी एक एटम को देखो बेटा, मान लो मैं इस एटम को देख रही हूँ, तो इसको चार एटम्स अटैच कर रहे हैं, एक दो तीन चार, हर एक एटम को चार चार एटम टच कर रहे हैं, तो एक स्क्वायर सा बन जाता है। तो इस पैकिंग का नाम हुआ SCP। SCP की फुल फॉर्म क्या है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और अगर आप यहां कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे है 4। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। इसका मतलब ये है जो हर एक एटम है वो 4-4 एटम से आपका टच हो रहा है। तो ये आपकी 2 डायमेंशन की फर्स्ट टाइप होगी, AAA टाइप अरेंजमेंट। इसमें सारे एटम एक जैसे ही हैं, तो इसको हमने नाम दिया SCP का, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा दूसरे टाइप के एटम्स की, उनमें क्या है ध्यान से देखिए बेटा। इस तरह का अरेंजमेंट है, मान लो 1, 2, 3, 4, ये आपकी पहली लेयर में एटम होगी। अब हमने सेकेंड लेयर में क्या किया, इन दो एटम के बीच में एक एटम को रखा ऐसे 1, 2, 3, इस तरीके से हमने एटम को रखा। फिर हमने थर्ड लेयर में दोबारा से क्या किया, इस तरीके से आगे ही बनता जा रहा है बेटा। हमने थर्ड लेयर में फिर से क्या किया बताओ, इन दोनों के बीच में फिर एक एटम रखा, तो इन दो के बीच में यहाँ एटम आ गया एस, इन दो के बीच में यहाँ एटम आ गया, इन दो के बीच में यहाँ आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, अगले लेयर आप फिर बनाओगे तो फिर कैसी बनेगी, इन दो के बीच में एक, फिर इन दो के बीच में एक, फिर इन दो के बीच में एक। तो आप देख पा रहे हो बेटा यहाँ पर दो अलग अलग तरह की लेयर हुई, रेड वाली लेयर अलग है और ब्लैक वाली लेयर आपकी अलग है। ब्लैक वाली सारे लेयर एक जैसी है, रेड वाली सारी लेयर एक जैसी है। तो मान लो ये मेरा ए टाइप है, तो ये फिर से बी टाइप हो गया, ये फिर ए आ गया, ये फिर बी आ गया। तो यहाँ पे अरेंजमेंट किसका टाइप का हुआ, ए बी टाइप अरेंजमेंट इसमें हुआ। यहाँ अरेंजमेंट कौन सा है बेटा, ए बी टाइप अरेंजमेंट है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो आप किसी एक एटम को ध्यान से देखो वो कितने एटम से टच हो रहे हैं। मान लीजिए बेटा मैं इस एटम की बात कर रही हूँ, तो ये 6 एटम से टच हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे हर एक एटम कितने एटम से टच हो रहा है, 6 एटम से टच हो रहा है, तो हेक्सागोन टाइप का बन जाता है। तो इस पैकिंग का नाम हम क्या रखते हैं, HCP। इस पैकिंग का नाम हम क्या रखेंगे, HCP। HCP की फुल फॉर्म होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। HCP की फुल फॉर्म क्या होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। जितना ज्यादा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना ही ज्यादा क्लोज पैक आपका स्ट्रक्चर होगा। तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वो ज्यादा क्लोज पैक स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो ये आपके दो तरह के बेटा अरेंजमेंट हुए, ठीक है, 2 डायमेंशन में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आप लोगों ने कर लिया होगा ये बच्चे, मैं चेक कर लूं क्लास में कौन कौन है, तब तक आप ये कर लो। तो बेटा ये आप लोगों ने कर लिया होगा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो अब हम यहाँ बात करेंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की, ठीक है, ये लोग कर देती हूँ। हो गया होगा, हो गया बेटा ये आपका? हाँ भाई, हो चुका ये? यस मैम, यस मैम। अब इसके आगे हम करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन डालो हेडिंग। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, अब हम 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में 2D से ही बनेगा। 2D की दो टाइप थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उन्हीं से आगे हम बनाएंगे 3D स्ट्रक्चर। तो पहला हम बनाएंगे फ्रॉम SCP,
ठीक है, एस ए सी पी स्क्वेयर क्लोज पैकिंग, इसी से हम बनाएंगे 3D स्ट्रक्चर स्क्वेयर क्लोज पैकिंग से, ठीक है। तो इससे बेटा 3D स्ट्रक्चर जो है वो आपका कैसे बनेगा, आप लोगों को ध्यान देना स्क्वेयर क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे इसी की हेल्प से, ओके। देखिए बेटा कैसे बनेगा, आप लोगों को ध्यान होगा अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है इसका। अभी अभी करवाया था आपको, सारे ए ए टाइप के लेयर होती है, सारे एटम एक जैसे होते हैं, एक के ऊपर एक एटम रखा होता है, ठीक है। ये अरेंजमेंट आपका किसका, किसका अरेंजमेंट है ये, 2D स्ट्रक्चर का। अब इस 2D को ही हमें 3D करना है, हमें इस 2D को ही क्या करना है, 3D करना है। तो कैसे करेंगे देखिए बेटा, टूटी को 3D करते हुए चले, तो इस तरह से बेटा अब जो ये 2D स्ट्रक्चर है यही आपका क्या बनता हुआ चला जाएगा, 3D स्ट्रक्चर बनता हुआ चला जाएगा, और यहां पर एक क्यूबिक स्ट्रक्चर आपका फॉर्म हो जाएगा। यहां पर एक क्या बन जाएगा बेटा, क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। 2D से हमने इसको 3D कर दिया ए ए ए टाइप अरेंजमेंट से, और इसका नाम हम रखेंगे CCP। इसका नाम क्या होगा, CCP। CCP की फुल फॉर्म क्या होती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये हमने 2D से 3D कर दिया, ये हमारी बन गई क्यूबिक क्लोज पैकिंग, पहले से बनाई ए ए ए टाइप अरेंजमेंट से, ठीक है। अब दूसरा हम करेंगे किससे, ए बी टाइप अरेंजमेंट से, उसको ध्यान से देखना आप लोग, ये हो गया होगा। चलिए अब इसके आगे करते हैं, ओके बेटा। अब इसके आगे हम करते हैं नेक्स्ट, क्लोज पैकिंग 3D में करेंगे फ्रॉम HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से, किससे करेंगे, फ्रॉम HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। तो अभी अभी मैंने आपको ये वाला अरेंजमेंट सिखाया था, तो देखिए बेटा ध्यान से इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाना सब बच्चे, मान लिया बेटा ये हमारा अरेंजमेंट है ए टाइप का, ठीक है। अब अगले में क्या करना है, दो के बीच में एक एटम रखना है, एक, अब इन दो के बीच में ये एटम, फिर इन दोनों के बीच में ये एटम, ऐसे रख लिया, ठीक है। अगले लेयर में फिर से क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक, फिर इन दोनों के बीच में एक, इस तरीके से ये आपका अरेंजमेंट हुआ ए बी टाइप का, ठीक है। अब ये फिलहाल तो 2D है, अब ये फिलहाल तो क्या है, 2D है, हमें इस 2D को ही 3D करना है। लेकिन अगर आप लोग गौर से देख पा रहे हो तो यहां पर दो तरह के वॉइड्स आए, वॉइड्स का मतलब इंटरस्टीशियल स्पेस है। इंटरस्टीशियल स्पेस क्या होता है, एटम को क्लोज पैक करने के बाद भी जो बीच में खाली स्पेस बचता है, एटम को क्लोज पैक करने के बाद भी जो बीच में खाली स्पेस आता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टीशियल स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर दो तरह के खाली स्पेस है, देयर आर द डबल ट्राइंगुलर वॉइड्स, एक तो आपका इंटरस्टीशियल स्पेस है नीचे की तरफ और एक आपका है ऊपर की तरफ, ध्यान से देख पा रहे हो, देयर आर डबल ट्राइंगुलर वॉइड्स। मैंने नीचे वालों का नाम दे दिया ए का, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, नीचे वाला ये भी ए, नीचे वाला ये भी ए, जो मेरे नीचे वाले ट्राइंगुलर वॉइड्स है मैंने इन्हें क्या नाम दे दिया, ए, और जो ऊपर वाले ट्राइंगल को क्या नाम दे दिया, बी। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे दो तरह के आपके वॉइड्स हैं,
ए टाइप के और बी टाइप के, ठीक है, वॉइड्स या इंटरस्टिशियल स्पेस इसको हम बोलते हैं। तो फिलहाल तो ये 2D है, और जो ये ए और बी है वो 2D के अंदर क्या होते हैं, डबल ट्राइंगुलर वॉइड, डबल ट्राइंगुलर वॉइड। आपको बता दिया वॉइड या इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, जो बीच में खाली जगह होती है उसको बोलते हैं वॉइड्स या इंटरस्टिशियल स्पेस। अब फिलहाल तो ये 2D है और आपको इसको 3D बनाना है, तो ये 3D कैसे बनेगा, हम इस पे एक लेयर और डाल दें, तो हम इस पे एक लेयर डालेंगे कैसे, आप तीन एटम के ऊपर एक एटम को रखो, किसी भी तीन एटम के ऊपर एक एटम को रखो, और एटम को इस तरीके से रखो, या तो सारे उसमें बी वर्ड आ जाए ए छूट जाए, या सारे उसमें ए वर्ड आ जाए बी छूट जाए, ठीक है। तो बेटा मान लो मैं सारे है ना बी वर्ड लेके चल रही हूँ और ए को छोड़ के चल रही हूँ, तो ये मेरा पहला बी वर्ड है, ये दो रेड और एक ब्लैक के बीच में है, तो मैंने इन तीनों के ऊपर एक लेयर ओ डाल देनी है, ये देखिए बेटा मैंने इन तीनों पे एक लेयर डाल दी, इसके अंदर मेरा बी वर्ड तो आ गया बट मैंने ए को साइड में छोड़ दिया, ठीक है, आई बेटा बात समझ में आपको, इस तरीके से आपको बनाना है। हो गया, अब अगला बी वर्ड लेना है, फिर ऐसे लो कि ए छूट जाए और बी को हम ले लें, फिर से देखिए बी को हमने ले लिया ए को छोड़ दिया, ऐसे ही अगले बी को आप ले लो ए को छोड़ दो, तो अगला बी इन तीनों के बीच में है, फिर से बी को ले लिया ए को छोड़ दिया, तो अब आपने क्या देखा, जो ये स्ट्रक्चर है वो 2D से 3D हो गया, 2D से कैसा हो गया 3D हो गया, और यहाँ पर एक नए टाइप का वॉइड भी आ गया C, एक नए टाइप का वॉइड भी आ गया C। अब अगर आप अपने A और B वॉइड को ध्यान से देख रहे हो, अब बेटा अगर आप अपने A और B वॉइड को ध्यान से देख रहे हो, ठीक है, आप इसी स्ट्रक्चर को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो, फिर से A को छोड़ के बी बी को ले लें, आगे इस तरह से बना होगा रिपीटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे आगे ये भी बना होगा, ऐसे आगे ये ए भी ले रखा होगा, ठीक है। तो अब अपने आप ए और बी वर्ड को ध्यान से देखो, तो अगर अब आप ए और बी वर्ड को ध्यान से देखोगे तो जो बी वर्ड है वो आपका सराउंड हो रहा है चार स्फीयर से, और जो आपका ए वर्ड है वो सराउंड हो रहा है छह स्फीयर से। अब आप अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपका ए वर्ड तो यहाँ पे सराउंड हो रहा है बेटा किससे, चार छह स्फीयर से, और आपका बी वर्ड यहाँ पे सराउंड हो रहा है चार स्फीयर से, तो यहाँ दो तरह के वर्ड आ गए। तो अब जो ये 3D में जो वर्ड आए, इसमें जो आपका बी वर्ड है और सी वर्ड है, बी और सी ये सराउंड हो रहे हैं फोर स्फीयर से, सराउंडेड बाय फोर स्फीयर, इसीलिए हम B और C को क्या नाम देंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, इसीलिए हम B और C को क्या नाम देंगे बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जुड़े हुए हैं। तो B और C वॉइड तो आपका सराउंड कर रहा है चार स्फीयर से, तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। और अब जो आपका A है, अब जो आपका A वॉइड है, A वॉइड आपका 3D स्ट्रक्चर में सराउंड हो रहा है, सराउंडेड बाय सिक्स स्फीयर, सराउंडेड बाय सिक्स स्फीयर, अब वो छह स्फीयर से सराउंड हो चुका है, इसका मीनिंग अब इसका नाम क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में। तो जो ए वॉइड आपका है उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ए वॉइड को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। तो यहां आपके दो तरह के वॉइड आ गए, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये आपको समझा दिया है। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, विच सराउंड बाय फोर स्फीयर, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है, विच सराउंड बाय सिक्स स्फीयर, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट होता है बेटा, एक में हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल, और एक में आपका अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल, ओके। तो ये आप कर ले बेटा, फिर आगे करते हैं इसके बाद। बेटा कई बच्चे तो बड़े लेट आए हैं, सुभाष सर तो अटेंडेंस भी ले गए,
सभी हो गया ये। 2D में डबल ट्रायंगुलर वॉइड थे ए और बी, लेकिन 3D में अब ये दो तरह के नए वॉइड बना रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड आपका बी और सी है क्योंकि ये सराउंड कर रहा है फोर्थ स्फीयर से, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका है ये सिर्फ ए है क्योंकि ये आपका सराउंड कर रहा है सिक्स स्फीयर से। हाँ भी हो गया होगा आप लोगों का, रब कर दूं बेटा। तो इसके बाद अब नेक्स्ट करते हैं फिर हम, हो गया बेटा ये? यस मैम। ओके, तो अब बेटा हम ये दोनों टाइप के वॉइड पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो फर्स्ट हम यहाँ पे करेंगे हम टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड होता क्या है अभी करवाया मैंने आपको, जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है इट सराउंडेड बाय फोर स्फीयर, सराउंडेड बाय फोर स्फीयर्स। इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सराउंडेड बाय फोर स्फीयर्स इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में चार स्फीयर से सराउंड होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब किस तरीके से होता है वो आप लोग देखिए बेटा। तो मान लीजिए हमने ये लिया, वन टू थ्री, ये आपके तीन आइटम है, ठीक है, तीन स्फीयर हो गए। अब इन तीन स्फीयर के ऊपर हम क्या करें, एक और स्फीयर डाल दें इस तरीके से। तो अब जो ये बीच में वॉइड बना, इस वॉइड को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। इस अरेंजमेंट से जो ये वॉइड बना इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब अगर मैं इसको बेटा पूरा ओपन करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का होता है, देखिए। वन टू, ठीक है, मैंने इस एक स्फीयर को अलग रख दिया इसको, ओके, और इस पे ये एक और दिखा दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ इसका ओपन स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल वॉइड का, और जो बीच में आपका वॉइड बना इसे हम क्या बोलते हैं, बता चुकी हूं मैं आपको, जो बीच में ये वॉइड बनेगा इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। जो ये वॉइड बीच में बना ये आपका क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। और इसकी ज्योमेट्री कैसी है आपको पता ही है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है बेटा, टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की आप इसकी शेप बना सकते हो, ज्योमेट्री इसकी होती है टेट्राहेड्रल। कुछ किस तरीके से अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का, तो ये इनका पैटर्न है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का वॉइड हुआ टेट्राहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय फोर स्फीयर, ठीक है, कर लें आप ये, मुझे बता देना भी करते ही। तो ये आपका पहले टाइप का वॉइड हो गया बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हम करेंगे दूसरे टाइप का ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हाँ भी इसके बाद करें अब आगे, हो गया होगा ये आपका? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
यहाँ तक मैंने प्लस वन क्लास में करवाया था बेटा, इससे आगे का रह गया था। अब आप लोग हेडिंग डाल लो सेकेंड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है? सराउंडेड बाय सिक्स स्फीयर्स, सराउंडेड बाय सिक्स स्फीयर इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, सराउंडेड बाय सिक्स स्फीयर इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए कैसे, मेरे पास तीन एटम है, वन टू एंड थ्री। ठीक है, तीन एटम जस्ट इसके ऊपर भी है, क्योंकि कितने से सराउंड करता है? सिक्स स्फीयर से। वन टू, दो एटम तो ये आपके हो चुके हैं और थर्ड आपका ये हो जाएगा थ्री, हो गया। तो जो बीच में आपका ये वॉइड बना सिक्स स्फीयर के बीच में, सिक्स स्फीयर के बीच में, इस वॉइड को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। ठीक है बेटा, बिटवीन द वर्टिसिज ऑफ टू अपोजिट ट्रायंगल, बिटवीन द वर्टिसिज ऑफ टू अपोजिट ट्रायंगल। देखिए बेटा ऐसा हुआ ही, बिटवीन द वर्टिसिज ऑफ टू अपोजिट ट्रायंगल, एक आपका नीचे से ऐसा हो गया ये इस तरीके से। ठीक है, बिटवीन द वर्टिसिज ऑफ टू अपोजिट ट्रायंगल, यहां से आपका बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो इसका ओपन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, वन टू, दो एटम तो आपके ये दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका थर्ड एटम और यहाँ पे दिखा देते हैं इस तरीके से, जो ये आपका बीच में वॉइड होता है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तीन एटम यहाँ दिखा दिए, तीन एटम करके इसके ऊपर की तरफ, वो अलग से दिखा देते हैं। ठीक है, वन टू थ्री, इस तरीके से ये तीन एटम अलग निकल गए, ये तीन आपके अलग रह गए, तो ये अरेंजमेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री किस तरीके की होती है बेटा? देखिए आप ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, आउटर बाउंड्री तो कुछ ऐसी होती है लेकिन इनर में फर्क होता है कैसे? देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना ये, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, यहाँ आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है ये कौन से वॉइड का अरेंजमेंट है? ये अरेंजमेंट आपका है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, ये अरेंजमेंट किसका है बेटा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है। तो ये आपकी ज्योमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल शेप हुई वॉइड की, ऑक्टाहेड्रल शेप ऑफ वॉइड। तो मैंने ज्योमेट्री आपको दोनों समझा दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की भी और टेट्राहेड्रल वॉइड की भी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका सराउंड करता है सिक्स स्फीयर से, टेट्राहेड्रल वॉइड आपका सराउंड करता है फोर स्फीयर से। ठीक है, ये आप कर ले बेटा। उसके बाद इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर की टर्म भी आती है, ये हो गया भी आप लोगों का? यस मैम। ओके बेटा, रब कर दूं ना फिर मैं इसको। तो ये आपके दो तरह के वॉइड हो गए, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है,
अब इसके आगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है टॉपिक न्यूमेरिकल के लिए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन ए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इन ए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन स्फीयर्स, इन ए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन स्फीयर्स। तो बेटा अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, तो जो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो तो हमेशा होते हैं 2n नंबर में, डबल होते हैं n स्फीयर से, और जो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ स्फीयर के। ये आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड आपका होता है नंबर ऑफ स्फीयर से डबल 2n, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका है वो नंबर ऑफ स्फीयर n के इक्वल होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हो गए, 2n प्लस n 3, कितने हो गए बेटा 3n हो गए। ठीक है, तो इतना आप करो, इसके आगे का फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अभी बेटा सब बच्चे एज इट इज आ जाना, लेट मत करना इस बार। ठीक है।